A very good morning to all of you. Students, this is your Sonali Miss and today we are going to discuss about longitude and time. कि बच्चे, longitude के बारे में तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि longitude और time जो है वो कैसे associated है एक दूसरे के साथ और longitude की help से हम time कैसे calculate करते हैं. Clear बच्चे? So let's start. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best timekeeper throughout the world. Local time can be reckoned by the show cast by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise and sunset. So students, what does it mean? कि हमारे पास जो best means है time को measure करने का वो क्या है कि हम किसकी movement को measure कर लें? अर्थ मून और प्लैनेट्स की मूवमेंट को मेजर करने. तो जो सन है एज यू ऑल नो इट रेगुलरली राइजेस, वो हमारे पास हर दिन उगता है एंड रेगुलरली सेट्स. ओके, हर दिन क्या होता है, डूबता भी है. तो नेचुरली हमारे पास ये एक बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो हमारे पास सन जो है वो राइज करता है और सेट करता है एवरी डे. फाइन, सो जो लोकल टाइम है कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन. तो हमारे पास जो लोकल टाइम है वो क्या माना गया है, कैसे बताया जाता था कि जो हमारे पास शेडो बनती थी हमारी सन की वजह से, सनलाइट की वजह से, उसकी वजह से लोकल टाइम जो है वो पहले पहले बताया जाता था. कैसे? कि हमारे पास जो हमारी शेडो होगी, ठीक है, वो शॉर्टेस्ट बनती है एट द नून और लॉन्गेस्ट होती है एट द सनराइज एंड सनसेट. ओके, तो समझ आ गई होगी आपको यहाँ पे क्या है. जब हमारे पास क्या होता था, लोग पहले कैसे बताते थे, हमारे पास अपनी शेडो देखते थे वो सनलाइट में, तो जैसे ही उनको लगता था कि उनकी शेडो जो है वो शॉर्टेस्ट है तो वो मान लेते थे वो मिड डे है या फिर नून है. ठीक है, नून टाइम है. और हमारे पास जब उनकी लॉन्गेस्ट होती थी शेडो तो वो सनराइज या सनसेट होता था. क्लियर? तो ऐसे हमारे पास पहले लोकल टाइम बताया जाता था. ठीक है, आई होप बच्चे आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा. तो आगे चलते हैं. व्हेन द प्राइमरी रीजन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून. अब क्या है, जो हमारे पास प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच से पास करती है, जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है स्काई पे, तो जो सारी प्लेसेस हैं अलोंग विद दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून. तो वहां पे क्या होता है उस टाइम पे, मेरिडियन के अलोंग जो भी हमारे पास प्लेसेस आती हैं वहां पे क्या होता है, मिड डे और नून होता है. कब होता है, जब हमारे पास सन होगा हाईएस्ट पॉइंट पे इन द स्काई. क्लियर? सो एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो हमारे पास जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो ईस्ट, तो जो हमारे पास प्लेसेस हैं ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच गेट विल बी अहेड ऑफ द ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच टाइम के आगे होंगे हमारे पास जो प्लेसेस ईस्ट वाली साइड है ग्रीनविच के, एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट एज यू एज इट इज शोन इन फिगर 2.8. तो आप यहां पे देख सकते हो हमारे पास ग्रीनविच में टाइम ये है हमारे पास, और यहां पे अहेड और बिफोर आप देख सकते हो, जो हमारे पास वेस्ट टू ईस्ट अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है. ठीक है, तो ईस्ट वाली साइड जो ग्रीनविच हेड विल बी ऑफ हेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. ठीक है, तो हमारे पास प्लेसेस जो है वहां पे ग्रीनविच टाइम से आगे चलेगा टाइम. ठीक है, बट हम जब बात कर रहे हैं जब वेस्ट की तरफ मूव किया तो हमारे पास उसके बिहाइंड आएगा. क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा. नाउ द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिफरेंस आता है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. एज यू ऑल नो द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. ठीक है, 24 आवर्स में जो हमारे पास अर्थ है वो कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री. ठीक है, 24 घंटे में, दैट इज वन डे में हमारे पास अर्थ से एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है. ठीक है, ये हम रोटेशन में पढ़ चुके हैं कि हमारे पास अर्थ कितना टाइम लगाती है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए, 24 आवर्स. तो 24 आवर्स में हमारे पास अर्थ पूरी रोटेट करती है, और कितना रोटेट करती है, 360 डिग्री. ओके बच्चे, तो अगर हम 24 को 360 से डिवाइड करें तो हम बता सकते हैं कि एक और में कितना डिग्री रोटेट करेगी. तो जब हमने डिवाइड किया 360 को 24 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 15 डिग्री. विच मीन्स 15 डिग्री एंड और मीन्स एक घंटे में हमारी अर्थ कितना रोटेट करती है, 15 डिग्रीज रोटेट करती है. ओके, और फिर फर्दर जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया कि 1 डिग्री रोटेट करती है हमारी अर्थ कितना, 4 मिनट्स में. एक डिग्री रोटेट करने के लिए कितना टाइम लगाती है हमारी अर्थ, 4 मिनट्स लगाती है. क्लियर? आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा कि एक डिग्री 4 मिनट्स में रोटेट करती है अर्थ, एक घंटे में 15 डिग्री रोटेट करती है, और 24 आवर्स में 360 डिग्री रोटेट करती है. क्लियर? सो दस वेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, तो इसलिए जब हमारे पास 12 बज रहे होंगे ग्रीनविच पे, तो टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट, अगर हम 15 डिग्री ईस्ट पे देखें तो हमारे पास इट विल बी 15 × 4 60 मिनट ज्यादा, दैट इज 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. तो उससे इसका मतलब क्या, उससे आगे अगर बात करें तो ईस्ट वाली साइड पे हमारे पास कितना टाइम हो रहा होगा अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, तो
एक बज रहा होगा, वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा, एक बज रहा होगा, क्योंकि एक घंटा 15 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो 15 डिग्री अगर ईस्ट हम मूव करें तो हमारे पास एक घंटा प्लस हो जाएगा अगर अहेड हम मूव करें। तो दैट्स वाई अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो वहां पे 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पे क्या बजेंगे, एक बजेगा उस टाइम। क्लियर, आई होप आपको यहां तक समझ आया। बट एटलीस्ट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच द टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर। ठीक है, तो अभी तुमने बोला कि 15 डिग्री वेस्ट पे जब हम जा रहे हैं, ठीक है, हमने ऊपर डिस्कस किया ना कि जब वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, अर्थ रोटेट करती है, तो वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट वाली साइड है वहां पे 15, वहां पे क्या होगा, टाइम जो है वो आगे चलेगा अकॉर्डिंग टू द ग्रीनविच टाइम। ठीक है, और हमारे पास अगर वेस्ट वाली साइड जाए तो हमारे पास टाइम एक थोड़ा सा पीछे चलेगा। तो जब हमने कैलकुलेट किया कि अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है, हमारी 360 डिग्री रोटेट करती है 24 आवर्स में, जिसका मतलब क्या है कि वो 15 डिग्री एक घंटे में रोटेट करेगी और हमारे पास एक डिग्री 4 मिनट में रोटेट करेगी। तो इफ अगर हमारे पास टाइम कितना है, 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो अब हमने बोला था कि कितना, एक घंटा थोड़ा सा डिफरेंस आएगा ना, 15 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास अगर उससे अहेड हम मूव करें, अगर आगे जाएं, ठीक है, तो वहां पे 15 डिग्री ईस्ट वाली साइड अगर हम आगे मूव करें तो हमारे पास वहां पे क्या होगा, 15 डिग्री प्लस हो रहा है। दैट इज 15 डिग्री किसके इक्वल है, एक घंटे के इक्वल, तो एक घंटा प्लस होगा। अगर हमारे पास ग्रीनविच टाइम पे 12 बज रहे हैं तो हमारे पास उसके आगे 15 डिग्री ईस्ट वाली साइड अहेड अगर हम आगे मूव कर रहे हैं तो वहां पे 15 डिग्री प्लस हो रहे हैं, मींस एक घंटा प्लस हो रहा है। तो दैट्स वाई अगर हमारे पास ग्रीनविच में ग्रीनविच टाइम 12 बज रहे हैं वहां पे, तो हमारे पास आगे 15 डिग्री ईस्ट पे कितने बज रहे होंगे, एक बज रहा होगा। और वैसे ही अगर हम वेस्ट वाली साइड मूव करें ग्रीनविच टाइम के, उसके पीछे मूव करेंगे, बिहाइंड जाना पड़ेगा, तो हमारे पास टाइम वहां पे एक घंटा वहां पे कम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, उससे पीछे टाइम चल रहा है ना 15 डिग्री, 15 डिग्री वेस्ट वाली साइड, मतलब एक घंटा कम करेंगे हम, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 11 AM। ठीक है, वहां पे अगर ग्रीनविच टाइम 12 है तो पीछे उसके कितना होगा, 15 डिग्री कम हो जाएगा, दैट इज एक घंटा कम। तो हमारे पास वहां पे कितना टाइम हो रहा होगा, 15 डिग्री वेस्ट पे 11 बज रहे होंगे। क्लियर, सो बच्चे 15 डिग्री वेस्ट पे क्या हो रहा होगा, 11 बज रहे होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ग्रीनविच टाइम में, अगर ग्रीनविच टाइम हमारा 12 नून है, अगर हम उससे अहेड मूव करेंगे, ठीक है, तो एक 15 डिग्री ईस्ट मूव करेंगे तो 15 डिग्री किसके इक्वल है, एक और के इक्वल। अगर वहां 12 बज रहे हैं तो 15 डिग्री ईस्ट पे क्या बज रहे होंगे, एक बजेगा। और अगर 15 डिग्री वेस्ट हमारे पास बिहाइंड उसके मूव करेंगे, तो अगर वहां पे 12 बज रहे हैं तो हमारे पास 15 डिग्री वेस्ट हमने मूव किया तो हमें एक घंटा कम करना पड़ेगा, दैट इज वहां पे क्या हो रहा होगा, टाइम 11 बज रहे होंगे। तो ऐसे हम टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लॉन्गिट्यूड, दैट इज प्राइम मेरिडियन। क्या है प्राइम मेरिडियन आपकी, लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हो आप उसको, तो वो इसी के बेसिस पे हमने टाइम कैलकुलेट किया, तो इसलिए उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। आई होप बच्चे आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। देन सिमिलरली एट 180 डिग्री, अगर हम 180 डिग्री की बात करें तो वहां पे क्या होगा, मिडनाइट होगा व्हेन इट इज 12 नून एट ग्रीनविच। अगर हमारे पास 180 डिग्री की बात कर रहे हैं तो अगर 12 बज रहे हैं ग्रीनविच पे, तो हमारे पास क्या होगा उस टाइम, मिडनाइट होगी। क्लियर, समझ आ रही है। अब आप इससे, इसकी हेल्प से जो मैंने एक्सप्लेनेशन बताई, आप कोई भी टाइम निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू द ग्रीनविच की। ग्रीनविच पे अगर आपको टाइम पता हो कितना हो रहा है, तो आप वहां पे ईस्ट या वेस्ट किसी भी साइड आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर, नाउ एट एनी प्लेस अ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock। ठीक है, किसी भी प्लेस पे एक वॉच को हम एडजस्ट कर सकते हैं 12 o'clock पे, व्हेन द सन इज एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई। ठीक है, व्हेन इट इज मिड डे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम चले जाएं, अगर हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट पे है सन, तो हम उसको मिड डे मतलब 12 बजे क्लॉक को सेट कर सकते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। तो वो टाइम जो हमारे पास लोकल वॉच दिखा रही होगी, वो हमारे पास लोकल टाइम होगा उस प्लेस का। अगर हम सन हाईएस्ट पॉइंट पे उसको देख के अगर हम 12 बजे अपनी क्लॉक सेट करते हैं, इट मीन्स वो हमारे पास उस जगह का क्या है, लोकल टाइम है। बट यू लोकल टाइम है, बट यू कैन सी दैट ऑल द प्लेसेज ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड हैव द सेम लोकल टाइम। ठीक है, आप देखोगे कि हमारे पास सारी प्लेसेस है गिवन मेरिडियन पे, लॉन्गिट्यूड पे, उसका सेम लोकल टाइम होता है। बट अब हम बात कर रहे हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, लोकल टाइम तो हमने बता दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है? ठीक है, क्या रीजन है, क्या जरूरत पड़ गई हमें स्टैंडर्ड टाइम को बनाने की? अब हम वो भी डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग आई वॉन्ट टू शो यू दिस इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज द इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, ग्रीनविच से, मतलब जो आपकी प्राइम मेरिडियन है, वहां से हमने कहाँ पे अपनी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट की हुई है, 82.5 डिग्री ईस्ट पे।
अब हम बात करेंगे क्यों है ऐसा, क्यों हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ गई, क्योंकि क्या, अब हम एग्जाम्पल से इसको अच्छे से क्लियरली समझेंगे, ठीक है। क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमें स्टैंडर्ड टाइम जो है वो सेट करना पड़ा, ठीक है। एज यू ऑल नो द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट पीरियड्स आर बाउंड टू डिफर, ठीक है। जैसे आपको पता है कि लोकल टाइम जो है हर एक जगह का वो क्या है, डिफरेंट है, आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर, अलग अलग मेरिडियंस पे लोकल टाइम जो है वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल से हम देखें, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, तो हमारे लिए एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर हम टाइम टेबल प्रिपेयर करें ट्रेन के लिए जिनको अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स को ट्रेवल करना होता है, क्रॉस करना होता है। तो इन इंडिया फॉर इंस्टांस देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका एंड गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम, ठीक है। अब अगर बात करें इंडिया की, तो फॉर इंस्टांस अगर हम ये देखें कि हमारे पास डिफरेंस कहाँ पे आता है, 1 hour and 45 minutes का डिफरेंस आता है लोकल टाइम्स में, मतलब हमारा लोकल टाइम अलग है और द्वारका जो गुजरात में और डिब्रूगढ़ जो है असम में, यहाँ के टाइम में लोकल टाइम में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 hour 45 minutes। मीन्स लोकल टाइम है हर एक जगह का डिफर करता है, तो अगर हर एक जगह का लोकल टाइम डिफर कर रहा है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज टाइम। सो इट इज रियली एसेंशियल टू हैव स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिसकी वजह से जो हमारे पास सेम टाइम हर जगह फॉलो हो और हमारे पास कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरत थी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग टाइम सेट किया जाए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में। सो इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट, इसलिए हमारे पास बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि अडॉप्ट करें द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री, ठीक है। कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था कि लोकल टाइम को छोड़कर हम क्या करें कि सेंट्रल मेरिडियन ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग एक कोई स्टैंडर्ड टाइम जो है कंट्री के लिए वो अडॉप्ट करें, ठीक है, ताकि हमारे पास क्या हो, इजीनेस हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई क्लैशेस ना आए टाइम पे, ठीक है। तो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82.5 degrees ईस्ट इज ट्रीटेड एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इंडिया में लॉन्गिट्यूड जो है 82.5 degrees ईस्ट वाला, उसको हम क्या करते हैं, हमने उसको माना है स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इंडिया में जो लोकल जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 degrees ईस्ट पे, उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। जैसे हम ग्रीनविच मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन मानते हैं, उससे टाइम कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही हमने इंडिया के लिए स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है 82.5 degrees ईस्ट लॉन्गिट्यूड को, क्लियर। तो जो लोकल टाइम है दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो जो लोकल टाइम है इस मेरिडियन पे इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो लोकल टाइम जो है इस मेरिडियन पे, उसको हम क्या लेते हैं, एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, क्लियर। इट इज नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। जो हमारे पास ये मेरिडियन, हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जो लोकल टाइम बताती है हमें पूरी कंट्री के लिए, उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है। क्या माना जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर लोकल टाइम्स डिफरेंट थे अलग अलग जगह पे, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे हमारे पास ट्रेन के लिए भी टाइम टेबल बनाना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इसलिए नीड क्या थी, अब हमारे पास डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1 hour 45 minutes का, तो जब इतना डिफरेंस आ जाए तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नीड पड़ गई कि हमें एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है सेंट्रल मेरिडियन अडॉप्ट करनी चाहिए, और वो हमारे पास थ्रू आउट द कंट्री ये पूरा टाइम सेम फॉलो होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास क्या किया गया, स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाई गई, जो हम किस पे कंसिडर करते हैं, 82.5 degrees ईस्ट पे, जिसपे हमारे पास लोकल टाइम जो ये मेरिडियन हमें बताती है, उसको हम पूरा स्टैंडर्ड टाइम लेते हैं फॉर द होल कंट्री, पूरी कंट्री में वही टाइम फॉलो होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आई होप आपको बच्चे यहां तक क्लियर हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड इट बेटर, अब आप यहां पे देख सकते हो, कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है वो कहाँ रहता है, एक स्मॉल टाउन में रहता है, जो कहाँ पर है, भोपाल में। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट, ठीक है। वो हमारे पास वो क्या बता रहा है उसको, अपने फ्रेंड को, कि वो सो नहीं पा रहा, ठीक है, रात को। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच विल बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैज स्टार्टेड एट 2 PM इन लंडन, ठीक है। कि हमारे पास दिन और रात को हमारे पास क्रिकेट मैच जो है वो इंडिया और इंग्लैंड में हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 2 PM लंडन में, ठीक है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। कब स्टार्ट हुआ था, 2 बजे, ठीक है। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया एंड फिनिश वेल इन टू द नाइट। मीन्स अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 बजे लंडन में स्टार्ट हुआ था मैच, लेकिन इंडिया में हमारे पास कितना है, वो 7:30 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है, और कब खत्म होगा, रात,
So do you know what is the time? So do you know what is the time difference between India and England? सो स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा यहाँ पे, कबीर जो है वो क्या बोल रहा है, एक स्मॉल टाउन में रहता है भोपाल में, ठीक है। वो अपने एक फ्रेंड को बोलता है आलोक को कि वो हमारे पास सो नहीं पा रहा आजकल। क्यों नहीं सो पा रहा? क्योंकि दिन और रात को जो क्रिकेट मैच है वो हमारे पास इंडिया और इंग्लैंड में हो रहा है, जो 2 बजे स्टार्ट हो रहा है लंदन में, ठीक है। तो दिस मीन्स कि जो हमारे पास मैच है, इट वुड बिगिन एट 7:30 PM, कि मैच जो है वो कब स्टार्ट होने वाला है इंडिया में, 7:30 PM, ठीक है, और खत्म कब होगा, रात को। तो डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? तो आप क्या जानते हो क्या टाइम डिफरेंस है इंडिया और इंग्लैंड में? सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 degrees 30 minutes ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। GMT क्या है? ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। हमारे पास क्या है कि जो इंडिया है वो हमारे पास ईस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम, इतने हमारे पास लोकेटेड 82 degrees 30 minutes ईस्ट पे है इंडिया, ठीक है। तो हमारे पास टाइम डिफरेंस कितना आ जाता है, 5 hours and 30 minutes का, मतलब 5.5 घंटे का डिफरेंस जो है हमारे पास ग्रीनविच मेरिडियन टाइम उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। सो इट विल बी 7:30 PM। तो हमारे पास वो कितना होना चाहिए उस टाइम, 7:30। अगर हमारे पास 7:30 PM होंगे इंडिया में, वेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। सो इट मीन्स जब हमारे पास इंडिया में 7:30 PM होंगे, इट मीन्स हमारे पास लंदन में कितने होंगे, 2 PM। क्लियर, समझ आ रही है आपको, ठीक है। कितने घंटे का डिफरेंस है, 5.5 घंटे का। तो इसका मतलब 2 बजे अगर मैच लंदन में स्टार्ट होगा तो इंडिया में कब स्टार्ट होने वाला है, वो 7:30 बजे स्टार्ट होगा और रात तक चलेगा। क्लियर, सम कंट्रीज, और आप यहाँ पे आप देख सकते हो अब कैसा टाइम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन के अकॉर्डिंग हम कैसे डिफरेंस बता सकते हैं कि इतने और अगर इतना टाइम यहाँ पे हो रहा है तो इतने और जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है उसको कैलकुलेट करके आप एग्जैक्ट टाइम बता सकते हो। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। सो सम कंट्रीज हैव अ ग्रेट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट एंड सो दे हैव अडॉप्टेड मोर देन वन स्टैंडर्ड टाइम। अब बात करते हैं कुछ कंट्रीज का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, तो उन्होंने अडॉप्ट किया है कुछ हमारे पास एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम। फॉर एग्जाम्पल रशिया की अगर हम बात करें, देयर आर एज मनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, ठीक है, रशिया की अगर बात करें। इंडिया में तो हमने एक ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है हमारा, बट कुछ में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ग्रेट होता है, तो दैट्स वाई उन्होंने अडॉप्ट किया होता है एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम। तो हम अगर बात करें एग्जाम्पल रशिया में क्या है, देर आर एज मनी एज 11 स्टैंडर्ड टाइम्स, वहां पर कितने 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स, और अर्थ को डिवाइड किया गया है 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच, ठीक है। 24 टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है हमारी अर्थ को, और वो हमारे पास 1 घंटे का है हर एक टाइम जोन। ईच जोन 10 covers 15 degrees ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर एक जोन जो है वो कितना कवर करता है, 15 degrees ऑफ लॉन्गिट्यूड, समझ आ रही है। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा बच्चे। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको स्टिल अगर कोई डाउट है, कोई ऐसी चीज है जो आपको समझ नहीं आई है इस चैप्टर